जब डोर खुले में और सन भी खुला हुआ है तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये कोई पंद्रह लाख सतहत्तर हज़ार रुपये वाली कार भी है ये उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है ब्लैक कलर का आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है कि हर एक कंपनी अपनी कार में एक ना एक ऐसा डार्क एडिशन जरूर निकालती है और मेरे साथ आज जो है ये है एम जी एस्टर ब्लैक स्टॉम और ये कार मिड साइज क्रॉस ओवर एंड एस के सेगमेंट में आती है 2024 में कंपनी ने इसमें काफी सारे चेंजेस करे हैं अपने सेगमेंट की कार से थोड़ी सी ना मेरे को तो लग रही है कि ज्यादा एट्रेक्टिव लगती है ये और ये मतलब ब्लैक स्टॉम कलर तो यार काफी अच्छा लगता है ये इसमें एलईडी डी हेडलैम्स है ये जो डी आर एल ने थोड़े से डिफरेंट शेप के हैं बट नीचे अगर देखोगे तो ये हेलोजन प्रोग्लैम्प है और इसके एलईडी जो प्रोजेक्टर है वही काफ़ी इफेक्टिव है मेरे को तो इसके प्रोग्लैंप की जरूरत पड़ी नहीं ज्यादा बड़ी सी ये ग्रिल है यहाँ पे एक ये लोगो आ गया ना तो इससे थोड़ा सा प्रीमियमनेस आ गई है कार में जिस तरीके की है वैसे बताऊँ तो दस लाख रुपए से स्टार्ट है ये एक्स शोरूम इसका जो बेस प्राइस है और ये जो ब्लैक स्टोम वाला वेरियंट है ना ये आपको फिफ्टीन सेवेंटी सेवन समथिंग का पड़ेगा एक्स शोरूम रेट जो है सेवनटीन इंचिस के यहाँ पे गुडियर के व्हील्स मिल रहे हैं एलॉय व्हील और इतना सही वाला एक टायर मिल रहा है जो फ्रंट डिस्क का उसके जो कैलिपर देखो वो रेड है तो इससे ब्लैक एंड रेड वाले जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अच्छा इसमें ना इस, इस ग्राउंड क्लेर्स जो है वो बढ़ाई गई है तो 205 जीरो फाइव की ग्राउंड क्लेयस हो गई है अब टू ये टू वाला वेरियंट है बिल्कुल लेटेस्ट वेरियंट है टू वाला तो ग्राउंड क्लेन्स देखो कि कितनी ज़्यादा हो गई है पहले शायद हमें नहीं लगता था कि भाई ये क्रॉसओवर है या फिर एसयूवी है बट ग्राउंड क्लियर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी इसकी चाहे फ्रंट व्हील ड्राइव कार है लेकिन काफ़ी सारे गड्ढे और बम्प्स जो होते हैं स्पीड ब्रेकरस जो होते हैं उसमें से ईजीली निकलती है सस्पेंशन इसकी जो फ्रंट है और जो बैग है वो ऐसी है एक सीडान का कार जैसी सॉफ्ट है काफ़ी हार्ड वाली सस्पेंशन नहीं मिलेगी इसके अंदर ठीक है ना ये जो बॉडी स्टाइलिंग है ना ये मेरे को काफ़ी सही सी लगी ऐसे पीछे से प्रीमियम सी जा रही है लाइट्स का डिज़ाइन भी अच्छा है एक बार यहाँ पे आके अगर ये देख ले क्रिस्टल टाइप जो जो इसके अंदर जो स्लाइसिस दे रखे हैं ये काफ़ी सुंदर सा लगता है पीछे से नो डाउट फिर जी यहाँ पे ये देखो तो एग्जॉस्ट टिप्स आ जाती है, है। बट ये एग्जॉस्ट टिप ऐसे नहीं है फंक्शनल नहीं है तो यहाँ पे भी एक डी डुअल एग्जॉस्ट टिप का ये बना रखा है बड़े बंद है लेकिन सुंदर लगती है कार पीछे से पीछे से देखने में काफ़ी अच्छा ऐसा सा लगता है कि कोई प्रीमियम कार जा रही है ये पंद्रह लाख सतहत्तर हज़ार रुपये वाला जो सेगमेंट है उसमें मतलब लुक वाइज थोड़ी सी उससे आ, आगे मुझे लग रही है डो डिफॉगर वाइपर यहाँ पे एस्टर की ब्रांड नहीं यहाँ पे जेडेस फिर नीचे नंबर प्लेट और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आ गए और डिफ्यूज़र भी है देखो इसमें देखो ये डिफ्यूजर बना रखा है कंपनी में तो डिज़ाइन के मामलों में तो ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खेल रही है इन्होंने जो टॉप स्टॉपिंग जो लैंप होता है वो भी यहाँ पर लगा रखा है फिर फिर एंटीना ऊपर चला गया लेकिन एक मैं चीज़ बता दूँ इस कार में जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ड्राइव किया तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी यहाँ पे आगे देखा इसका जो बूट ओपनर है एक तो वो भी बहुत सही है ऐसे करके ना ये ओपन हो जाती है ऐसे ये ऊपर चली आएगी अपने आप हाइड्रोलिक स्टड्स इसमें लगे हुए हैं बेसिकली ये गैस स्टड्स हैं भाई फोर एटी एट लीटर्स की इसके अंदर स्पेस है काफी सही काफी बड़ा है विद बूट लैम्प और यहाँ पे भी छोटे छोटे से जो स्पेसिस हैं वो है और अगर नीचे की तरफ इसको देख लो तो यहाँ पे आपकी आ जाती है स्टपनी व्हील जैक और आपके टूल्स बट इसको मानो कि एक ये स्मॉल फैमिली की एक ऐसी कार है जो कि ज़्यादातर जगहों पे चल जाएगी इसको गांव देहात में भी चला सकते हो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये टू जीरो mm का है तो ये काफ़ी बड़ा है मतलब इसका जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची है तो रोड से काफ़ी ऊँची होकर चलती है और फैमिली की बात आ गई तो आपकी फैमिली में होने से ये दो पूरे प्रॉपर लोग और बीच में एक छोटा बच्चा ही बैठ सकता है वरना अगर बच्चा नहीं है तो तीन लोग मत बिठाना इसके अंदर क्योंकि कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे वो दो लोग आराम से बैठ जाएंगे अच्छा इसके अंदर कंपनी ने पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आया लेकिन फैब्रिक सीट्स दी हैं और फैब्रिक सीट्स का एक ये फायदा होता है इस कि फैब्रिक ना एक तो गर्मी होता है गर्मियों में दूसरी चीज़ ये कि ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये हार्ड नहीं होता है लेदर की तरह या फिर एक्सिन की तरह या फिर लेदर एट की तरह छोटी छोटी सी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर आ गया है और अगर इस डोर हैंडल का डिज़ाइन देखोगे तो ऊपर से क्रोम नीचे से ब्लैक ये डुबल टोन है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश देते हैं ये क्यूट लिटिल प्यारी सी टेक्नोलॉजी वाली जो कार है ये आती है वन लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में और ये जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है विदाउट टर्बो इंजन का जो बे है ये देखिए काफ़ी क्यूटली काफ़ी नाइसली और ऐसा थोड़ा खुला खुला पन इसके अंदर ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखा ना डी वी वी टी ये इंजन की टेक्नोलॉजी होती है जिस हिसाब से इनके जो वॉल्व्स हैं वो काम करते हैं और जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पावर और ये सब कुछ निकाल लेते हैं और बात हो पावर की भी तो वन जीरो का ये पावर दे देती है और 144 समथिंग के आसपास का ये जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करती है इस इंजन से जो कि 1500 सीसी का है बेसिकली 1500 सीसी से थोड़ा सा कम है बट 1.5 लीटर इंजन ही बोलते हैं इसको आजकल एक फैंसी फीचर है वो यही है ये सब कुछ चाहिए ये है सनरूफ इसके अंदर डोअल पैन पैनोरामिक सन है जो कि काफ़ी बड़ा है और ये डोल पैन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ तक पहले क्लोज होगा इसके बाद में जैसे आप इसको और खोलेंगे तो जो कटन है इसका वो चला जाएगा और डुअल पैन का मतलब है एक पैन इधर एक पैन इधर और बीच के अंदर ये वाला डिवाइडर आपको मिलता है बट जो इसकी ओपनिंग है वो काफ़ी वाइड ओपनिंग है इसकी मतलब दो बंदे अच्छे खासे इसमें से बाहर निकल जाएंगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है और यहाँ पर भी स्पेस अभी बच रहा है और यहाँ पर भी स्पेस अभी बच रहा है अगर मैं सीट पर खड़ा हो जाऊँ तो मैं पूरा पूरा बाहर निकल रहा काफ़ी बड़ी वाइड ओपनिंग है इसकी स्विचिस की मैं बात करूँगा तो स्विचिस प्रीमियम है बेज कलर के हैं इसको भी ब्लैक फिश कुछ कर देते तो ज़्यादा मज़ा आता बट यहाँ पे ये यह जो लाइट्स है ये देखिए ये फ्लड लाइट है एल ई डी लैम्प है ये वाले काफ़ी अच्छे से नाइसली डिज़ाइन है ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी कोई चीप आइटम है या कुछ भी है बीच बीच में जो सिल्वर कलर का एक्सेंट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और सिल्वर कलर का एक्सेंट हर एक जगह आपको मिलेगा कहीं जगह पे ये शाइनी सिल्वर है कहीं जगह पे मैट सिल्वर है और सिल्वर के साथ साथ ये जो टोन दिया है इसके अंदर रेडिश मरूनिश ऑरेंज कलर का ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कैमरा के अंदर कलर रेडिंग के अंदर पता नहीं कितना दिख रहा होगा आपको बट इस कार के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम सलोकार रहा है यहाँ पे ये जो है इसका कंसोल ये मेरे को काफ़ी डैशिंग लगा इस हिसाब से ये एक ऐसी कार है जो आपको मिल तो रही है पंद्रह लाख सतर हजार रुपये में लेकिन ये कार ना बड़े लेवल के माइंडसेट से डिज़ाइन हुई हुई है काफ़ी महंगी लगती है पंद्रह लाख सतहत्तर हजार रुपये वाली कार लगनी रही है अगर मैं इसी के सेगमेंट की और जो पंद्रह लाख सतहत्तर हजार रुपये के अंदर जो एक्स शोरूम रेट है जिनकी उनकी बात करूंगा तो उसमें इतनी प्रीमियम शायद नहीं है इसके अंदर एक दो फीचर्स की कमी है जैसे कि एडास वगैरह नहीं मिलता तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको अजीब सा लगेगा जैसे कि मैं बताऊं ये देखो ये चीजें नहीं मिलती है उसमें ये इसका पूरा जो डैशबोर्ड है ये सॉफ्ट है पूरा डैशबोर्ड यहां से यहाँ तक यहाँ पे कार्बन फाइबर की फिनिश है ये भी सॉफ्ट है ये चीजें सॉफ्ट है सारी कोई भी कंपनी अपने डैशबोर्ड में ऐसा सॉफ्ट नहीं देती है इनफैक्ट ये जो डोर्स है डोर्स में ये वाला जो पैनल है ये सॉफ्ट है पूरा ये जो पैनल है ये सॉफ्ट है पूरा जहां जहां पे भी आपके हाथ लगेंगे वहां वहां पे सॉफ्ट है ग्रैप रेल्स बाग ये जो पैसेंजर के लिए कैबल होती है ये भी सॉफ्ट है और जो ड्राइवर जहाँ पे बैठता है और सबसे ब, 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 बुरी चीज़ जो लगती है उसको ये नी का जो कोना है ये बार बार यहाँ पे टच होता है तो यहाँ पे ये भी ना ऐसे जैसे कि फॉर्म लगा रखा हो तो उससे क्या होगा कि दर्द नहीं होगा और हर हर चीज़ सॉफ्ट है तो अगर आपके फैमिली के अंदर बच्चे हैं तो उनको थोड़ी सी और ज़्यादा ईज हो जाएगी काफ़ी अच्छा 25 सेंटीमीटर के आसपास का यहाँ पे ये एक पूरा कंसोल है इंफोटेबल सिस्टम उसी के नीचे यहाँ पे ना ये यू टाइप ए पोर्ट दोबारा से आ गए फ्रंट वालों के लिए और हाँ इसके अंदर एक और अजीब सी चीज़ है कि ऐसा ऐसा लगता है कि यहाँ पे वायरलेस चार्जर है बट वायरलेस चार्जर है नहीं इन फ्यूचर आप लगवा सको तो लगवा लेना बाकी ये सी वी ट्रांसमिशन इसको भी टेस्ट करने वाले हैं लेकिन इसकी फिट एंड फिनिश देखो यहाँ पे कार्बन लाइक फ्रिश है यहाँ पे सिल्वर आ रहा है यहाँ पे पियानो ब्लैक आ रहा है और यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं क्योंकि यहाँ पे आ गया जी आपका पार्क के लिए बटन और ये है आपका ऑटो होल्ड स्टेरिंग पे भी जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से है, यहाँ या पे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स हैं सोर्स के बटन आ गए यहाँ पे मेन्यू से रिलेटेड बटन है तो जैसे अगर मैं ये मेन्यू को प्रेस कर रहा हूँ तो अभी दिखा रहा है मुझे कि ये करंट कितना गया हुआ है ये मतलब आपको पूरी पूरी डिटेल बताएगा और सबसे अच्छी मेरे को क्या चीज़ लगी इसके अंदर कि ये टी पी एम एस जो है ना इसका ये टेम्परेचर भी बताता है टायर्स का ये दे� देखो 2.3 बार तो आ रहा है इसका जो रेट है वो मतलब कितनी उसके अंदर हवा है और यहाँ पे आ रहा है फिफ्टी टेम्परेचर बट इंडिया के हिसाब से यहाँ पे पीएसआई होना चाहिए था यहाँ पे बार नहीं होना चाहिए था तो थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है और पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ है बाकी इसमें यहाँ पे आप ज जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे मेन्यू, ये चेंज होता रहेगा और यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज दिखा देता है स्टेरिंग जो है डी शेप्ड है एलिमेंट्स एलुमिनियम की ये जो चीज़ें लगी हुई है काफ़ी अच्छी और इसको निखार सा है जो जगह जगह पे ये सिल्वरिश कलर्स जो यूज़ किया हुआ है ये है तो प्लास्टिक लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेटल एल्युमिनियम हो ये एल्युमिनियम है ये भी जो है लोगो इनका वो भी मेटल का है बटन्स की जो क्वालिटी है वो प्रीमियम लाइक क्वालिटी है यहाँ पे जो है ये हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं इधर ऑटो हेडलेम्प्स है इसके अंदर और यहाँ पे ये है वाइपर के कंट्रोल नीचे अगर देखोगे तो ये साइड व्यू मिरर्स और फिर आपका हेडलाइट लेवलर आ जाएगा बट हाँ इसमें ना यार क्रूज़ कंट्रोल का एक ये थोड़ा सा ना मेरे को लगा कि क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे दे रखा है स्टेयरिंग यहाँ है और यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है तो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दे देते या फिर कुछ और कर देते बट मेन्यू के बटन फिर चेंज करने पड़ते कुछ कंपनीज़ तो बहुत गंदी जगह पे करती हैं कुछ कंपनीज यहाँ करती हैं कुछ कंपनीज यहाँ पे कर देती हैं माउंट बट इन लोगों ने यहाँ पे किया थोड़ी टाइम लगेगा इसको ना जो मैनेज होने में जैसे क्रूज़ कंट्रोल की किसी को आदत नहीं है ना यहाँ पे होने की तो उसको ना बार बार वो यहाँ पे हाथ लगाएगा अपने हेडलाइट वाले कंसोल पे मैं भी लगा रहा था स्टार्टिंग में बट एक चीज़ बता देता हूँ कि इस क्रूज़ कंट्रोल में ना रिज़्यूम रिज्यूम का फीचर है ये मेरा सबसे ऐसा फीचर है जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फीचर क्या होता है कि जब भी आप किसी हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर आप जा रहे हैं ना तो जैसे आपने क्रूज़ कंट्रोल छोड़ा जे आपने एक मतलब ब्रेक दबाई तो आप इसको ऐसे करके रिज्यूम कर सकते हो मतलब ये बहुत सही चीज़ लगती है ऐसे करोगे रिज्यूम हो जाएगा यहाँ से स्पीड लो जाएगी यहाँ से हाई जाएगी यहाँ ये वाला बटन है सेट का ये जो है स्क्रीन ये सेवन इंच की स्क्रीन है काफ़ी ब्यूटीफुली डिजाइंड है और यार कुछ ऐसा सा व्यू देखेगा आपको जब भी आप कार में बैठोगे ना अपनी काफ़ी लग्जरियस सीन लगता है और जब डोर्स खुले हुए हैं और सन भी खुला हुआ है तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये कोई पंद्रह लाख सतर हजार रुपये वाली कार नहीं है ये उससे काफी ज्यादा बढ़ के है कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे कि ये वैनिटी मिररर तो ड्राइवर की तरफ भी वैनिटी मिररस है इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ पे भी है तो मुझे बस इसका ये लगा ये जो सन का ग्लास है ना ये बहुत ज्यादा टिंटेड नहीं है तो सनलाइट डायरेक्ट ही अंदर आती है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है और जो उसका फिर कर्टन है ना वो ज्यादा उसको कम नहीं कर पाता तो सनलाइट आपको हल्की सी दिखेगी जो कटनस के अंदर यहाँ पे पैसेंजर एयर का आ गया है जो भी रियर व्यू मिला था। ये ऑटो एडजस्टेबल हो जाता तो यार ज्यादा मजा आता है इस पैकेज में ना बट ये मैनुअल है यहाँ पे थीके? और अगर आपको डैश क्या लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है तो वायरिंग की कोई ऐसी टेंशन नहीं है यहाँ से अगर देखोगे कार को तो काफी नाइसली मेड कार लगती है ये मर्सिडीज वाले या आजकल जो लोग थार में भी लगा रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे इसकेट्स है बट ये आए मर्सिडीज से ही है एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगी है इस कार में इसमें ना स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा है यहाँ पे ना दो टू वन वन लीटर की बॉटल्स आ जाती हैं बिस्लरी की वाटर बॉटल उसके ऊपर भी यहाँ पे स्पेस है ये जो है ये ऐसा देखने में तो छोटा लगेगा लेकिन डी पे थोड़ा सा तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं और एक स्पेस फिर ये मिल जाता है यहाँ पे आमरस के साथ में तो ब, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ ये है कि आपके रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी गैस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा अभी तक मैंने ना इसको सिटी में चलाया तो वहां पे मुझे इसका रबर बैंड इफेक्ट अभी तक तो फील नहीं हुआ अब इसको मैं लेके आऊँ हाईवे पे उसको हाई स्पीड पे चेक करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इसका लगाएंगे ये ड्राइव मोड ये नॉर्मल मोड है ड्राइव मोड ड्राइव मोड पर देखेंगे जीरो टू हंड्रेड कितनी देर में पहुँची है थ्री टू वन स्टार्ट इस रोड की लिमिट है वन ट्वेंटी तो हम इसको जीरो टू हंड्रेड तक पहुंचा सकते हैं ईजिली तो यहाँ से देखते हैं मैंने फुल टोटल प्रेस किया हुआ है टोटल के अंदर कुछ नहीं डाला हुआ और यहाँ पे ना क्या होता है कि सी ट्रांसमिशन जैसा एक ऐसे ट्रांसमिशन है कि आप फुल टोटल कभी मत दीजिए इसके अंदर ये माने गई नहीं अभी देखिए ये नाइन्टी की स्पीड पर आ गई है और काफ़ी स्मूथसी चल रही है अब ये आ गई है हंड्रेड पर ये सही तरीके से पहुंच गई है थोड़ा सा इसने टाइम लिया लेकिन 100 पे आ गई है क्योंकि यार ये स्पोर्ट्स कार तो है नहीं ना और ड्राइव पे आपको कैबिन के अंदर इंजन का साउंड ज़रूर आएगा क्यों क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन को जब आप फुल थ्रॉटल देते हैं तो वो मानता नहीं है वो सेवेंटी परसेंट पे होता है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट पे ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा और वो आरपीएम जितने इंजन के आर पी एम होते हैं उस हिसाब से जो आपकी व्हील की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के बाद में गेयर रेशो चेंज करता है सीवी एक ऐसा ट्रांसमिशन है जो काफी अफोर्डेबल होता है और इजी टू यूज होता है ईजी टू मेंटेन होता है अभी तक देखा हमने ड्राइव मोड पे ये है इसका स्पोर्ट्स मोड ऐसे कर दोगे तो स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगी यहां पे लिखा आ जाएगा एस अब देखते हैं कि इसका सीवी ट्रांसमिशन किस तरीके का रेशो बनाता है और देता है सामने थ्री टू वन स्टार्ट थोड़ा मैं फुल ही रखूंगा हंड्रेड परसेंट टू वन स्टार्ट ये हाँ फर्क है स्पोर्ट्स मोड पे जो ट्यूनिंग है उसमें फ़र्क है मैंने टोटल फुल दिया हुआ है टोटल नहीं छोड़ा मैंने जैसे कि लोग करते हैं जब रेस लगाते हैं तो 80 पे आ गई है अभी 90 पे आ जाएगी अब 100 पे आ जाएगी और काफ़ी सही तरीके से इसे स्पीड पकड़ी है ड्राइव मोड से ज़्यादा तेज क्विक स्पीड पकड़ रही है हंड्रेड की स्पीड से छू चुकी है ये और अब ये हंड्रेड का देख लेते हैं इसको हंड्रेड एंड ट्वेंटी पर भी यह पहुँच गई है जब स्पोर्ट्स मोड मैंने लगाया ना तो इसने जल्दी जल्दी गेयर शिफ्ट किए हैं ये अच्छी चीज है सही आर पी एम रेशो पर इसने उससे भी नीचे इसने जो गेयर थे वो शिफ्ट कर दिए काफी जल्दी है अपनी सेवंथ गेयर पे फिफ्थ गेयर पे पहुंच रही है सिक्स गेयर पे पहुंच रही है काफी मतलब ठीक ठाक सा लगा इसका जो स्पोर्ट्स मोड है बट मैनुअल वाले क्या करेंगे तो चलो चलते हैं पहले अपनी ओवर राइट करके ठीक है तो मैं अपने हिसाब से इसको ओवर राइड करूंगा सेकेंड सेकेंड गेयर चेंज थर्ड मैं ठीक ठाक से आर पे गेयर चेंज कर रहा हूँ जिसमें कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इंजन ज़्यादा स्ट्रेस ना ले ये देखिए इसकी इसने फोर्थ गेयर डाल दिए अब फिफ्थ गेयर फिफ्थ गेयर हो गई है 110 की स्पीड पे मैं आ गया हूँ सिक्स गियर अब मैं यहाँ पे सेवन गेयर पे कर दूंगा इसको और ये अब आराम से अपने क्रूज मोड पे चली जाएगी 125 की स्पीड पे मैं आ चुका हूँ अभी बट कभी कभार ना हमें मैनुअल पे करने के बाद कार के ऊपर छोड़ देना चाहिए अगर हमें तेज स्पीड में भगानी है तो हम देख लेते हैं आपकी क्या होता है ठीक है थ्री टू वन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से हंड्रेड की स्पीड में देखता हूँ कैसे आएगी अब ये मैनुअल पे है अपने मैं इसमें कुछ नहीं छेड़ूँगा अपने आप गियर चेंज करेगी हाई ये आर पी एम पर जाके गियर चेंज किया इसलिए बड़ा सही गियर चेंज किया है और काफ़ी सही आर पी एम रेशो पर चेंज कर रही है हाँ सही कर रही है बहुत बढ़िया और थोड़ा सा जल्दी मेरे को लग रहा है कि हंड्रेड पर पहुँच जाएगी जब मैंने इसको ओवर किया था और अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हंड्रेड पर पहुँच भी चुकी है अब 120 पे देख लेते हैं कि कितनी स्पीड में पहुंचेगी है मतलब ये पहुंच भी गई यार वाह बातों बातों के अंदर निकल जाती है ये गाड़ी अब इसकी करते हैं ब्रेक टेस्ट 0 टू 60 चलो 3 2 1 गो ब्रेक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि ब्रेकिंग पावर कैसी है कार के अंदर ना 0 टू 60 60 पे आते के साथ ही ब्रेक करने वाला हूं ब्रेक अरे बड़ी क्वेश्चन ब्रेकिंग है इसकी यार जैसे मैंने ज्यादातर गाड़ियों की ब्रेक टेस्ट कर दी उनमें क्या होता है कि खिच 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 कुछ, कुछ 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 ना कुछ तो होता है इसकी तो बड़ी क्वेश्चन ब्रेक लग गई अब एक बारी जीरो टू हंड्रेड चेक करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे जल्दी उठेगी कार इसलिए लगा रखी है मैंने और इसका और कोई लॉजिक नहीं है जीरो टू हंड्रेड चेक करता उसको हंड्रेड पॉच और मैं फिर तेरी ब्रेकिंग करके दिखाऊंगा लोगों को कैसी ब्रेकिंग है हंड्रेड 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 पहुंच चुकी है ओके ब्रेक करने वाला हूं ब्रेक भाई साहब इसकी ब्रेकिंग जो है ना अगर आपको कभी इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ गई तो ये गाड़ी सामने वाली गाड़ी के अंदर जाके बहुत बुरी तरीके से ठुकेगी और दोनों गाड़ियों का खरपच्च जाएंगे क्योंकि इसकी जीरो टू हंड्रेड की जो ब्रेकिंग है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इतना ज़्यादा चलाने के बाद इतना लंबा रन मारने के बाद में इतने रैश ड्राइव करने के बाद में भी जो माइलेज निकली है और इससे पहले मैंने इसको चलाया हाईवे पर क्रूज़ कंट्रोल लगा के तो मेरी माइलेज आ रही है इसमें इलेवन की एलेवन टू ट्वेल्व की मेरी मैक्स माइलेज है इसके अंदर और मिनिमम माइलेज मैं इसकी बोलूंगा कि सेवन टू एट की मिनिमम है और मैक्स की जो मेरे उसके अंदर आई है वह ये इलेवन टू ट्वेल्व और ए आर आई बोलती है कि फोर्टीन किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी ये कार बाकी आप अपनी राय बताओ कि आपको ये एम जी ब्लैक स्ट्रॉम और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जिस हिसाब से चलती है जो उसका सी ट्रांसमिशन है जिस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग है उस हिसाब से आपको एक कार कैसी लगी मेरा काम था एक वीडियो बना रहा हूँ हमारी इतनी मेहनत के लिए हमें दीदी करो एक सब्सक्राइब लाइक शेयर नेक्स्ट वीडियो मिलती है तब तक के लिए बाय बाय